हेलो एवरीवन, मैं हूँ सोनिया। आज मैं अपने वीडियो में लेके आई हूँ पोर्टेबल स्विंग मशीन का रिव्यू। ये दिखती तो है स्टेपलर जैसी, लेकिन ये बहुत काम आने वाली चीज है। जैसे कि हमारे घर में छोटी मोटी सिलाई हमें करनी भी पड़ती है, तो अगर आपके पास ये स्विंग मशीन है तो ये स्विंग मशीन आपका जो काम है वो आसान कर देगी। तो चलिए हम इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और इसे हमें कैसे यूज करना है ये भी मैं आपको। सबसे पहले तो हमें इसे कट कर लेना है। ये प्रोडक्ट मैंने अमेजोन से परचेस किया है, ये मुझे 300 में मिला है। अगर आप भी इसे परचेस करना चाहते हैं तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, आप जरूर चेकआउट करके लीजिएगा। इसके बॉक्स के पीछे आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन है इसे कैसे यूज करना है। अब हम इसे निकालेंगे और इस बॉक्स में एक इंस्ट्रक्शन दिया हुआ एक पेज आता है। इस पेज के ऊपर सारा आपको लिख के दिया होता है कि यहाँ पे नीडल कैसे लगाना है या फिर इसे यूज कैसे करना है। उस नीडल में इंस्ट्रूमेंट्स के सहायता से थ्रेड कैसे डालना है ये भी उन्होंने यहाँ पे दिखाया है। इसी के साथ हमें इसे लगने वाले जो इंस्ट्रूमेंट है ये भी इसी के साथ आए हुए हैं। ये रिल भी उसी के साथ आई है और ये व्हाइट थ्रेड उन्होंने ही लगा के दिया है। आप इसे इस तरीके से बहुत ही आसानी से इसे निकाल सकते हैं और टाइट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्टेपलर की तरह लग रहा है। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग में जा रहे हैं तो ये आपके पर्स में इजीली कैरी हो जाएगा। इसी के साथ आया है ये छोटा वाला रिल और इंस्ट्रूमेंट में आया है ये बड़ा वाला रिल डालने के लिए ये एक नीडल और नीडल में थ्रेड डालने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट दिया है उन्होंने। अब हम देखेंगे इस मशीन में थ्रेड कैसे लगाना है। तो आपको ये यहाँ पे मशीन के बाजू में दिख रहा है स्क्रू, उसे हमें निकालना है और ये छोटे वाले रिल को उसमें डालना है और ये स्क्रू को टाइट कर लेना है। टाइट होने के बाद ये रिल बिल्कुल भी टाइट नहीं होती, लूज ही रहती है, आप देख सकते हैं वीडियो में। ठीक उसी के बाजू में दो वायर होल आपको दिख जाएंगे, तो उसी होल में आपको ये थ्रेड डालना है। अब हम सेकेंड होल में थ्रेड डालेंगे। ठीक उसी के बाजू में ही जो आपको रिंग दिखाई दे रही है उसमें आपको ये थ्रेड डालना है और इसे खींचना है। अभी हम डालेंगे लास्ट में नीडल के होल में ये जो थ्रेड है पीछे से लगाना है, आगे से नहीं डालना है, पीछे से ही ये थ्रेड इसमें डालना है। आप चाहे तो वो इंस्ट्रूमेंट से भी आप इसमें थ्रेड डाल सकते हैं। और साइड से इस तरीके से निकालना है थ्रेड को। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, रिल के ठीक बाजू में जो होल है उस दोनों होल में हमें थ्रेड डालना है और जो रिंग है उसी में थ्रेड डालना है और निडल के होल में पीछे से हमें थ्रेड डालना है और साइड से निकालना है इस तरीके से। इसी तरीके से हमें थ्रेड मशीन को लगाना है और इसे ऊपर करके इसके नीचे हमें कपड़ा रखना है। तो मैं यहाँ पे डार्क कलर का कपड़ा यूज कर रही हूँ ताकि आपको सिलाई अच्छे से दिख जाए। अब हम इसे ऊपर करके इसके नीचे हम कपड़ा रखेंगे और दूसरे हाइट हाथ में जो मैंने कपड़ा लिया है इसे हमें हल्के हल्के हाथों से खींचना है, बहुत जोर से खींचना नहीं है। और जिस तरीके से हम स्टेपलर यूज करते हैं उसी तरीके से हम इस मशीन को यूज करेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। हल्के हल्के हाथों से खींचना है और ये आप देख सकते हैं जिस तरीके से हम सिलाई मशीन में
सिलाई करते हैं उसी तरीके से ये सिलाई दिख रही है। और ये जो स्क्रू है, अगर आपको सिलाई ज़्यादा मोटी वाली चाहिए तो आप इसे लूज करिए, या फिर अगर आपको सिलाई छोटी चाहिए तो आप इसे टाइट ही रखिए। सेम सिलाई मशीन में जिस तरीके से सिलाई आती है, सेम उसी तरीके से ये सिलाई आ रही है। और पीछे से आप देख सकते हैं जिस तरीके से हम हैंड वर्क करते हैं, उस तरीके से वर्क दिख रहा है पीछे से। अब हमारी सिलाई हो चुकी है, इसे हमें निकालना है। तो ये जो थ्रेड दिख रहा है उसे हमें बाहर की ओर खींचना है और एक सीजर लेके नीडल के नीचे से जो थ्रेड है इसे खींच कर कट कर लेना है। नीडल के नीचे कट करने के बाद डायरेक्ट आपको निकालना नहीं है, एक बार प्रेस करना है और देन आपको निकालना है ऊपर करके। आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरीके से सिलाई हमारी हो चुकी है। अब आपको इसे लॉक करना है। तो ये जो आपको थ्रेड दिख रहा है, अगर आप इसे लॉक नहीं करेंगे तो ये थ्रेड खींच के ही आपकी सिलाई पूरी निकल जाती है। तो पीछे आपको इसे करना है और इस तरीके से खींचना है, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब हमारी सिलाई पूरी टाइट हो चुकी है। अब आप कितने भी खींचे ये सिलाई नहीं निकलेगी। और मैं आपको सीधा करके दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी तरीके से सिलाई हो चुकी है। जिस तरीके से हम मशीन में करते हैं सेम उसी तरीके से ये सिलाई हो चुकी है। साइड से जो एक्स्ट्रा थ्रेड है इसे हम कट कर लेंगे। अब हम आपको बताएंगे कि आप अगर इसे लॉक नहीं करेंगे तो ये कितने इजीली निकल जाएगी। इस तरीके से आप सिलाई करेंगे, देन आपको इसे कट करना है। थ्रेड को आपको ज़्यादा ही खींचना है ताकि आपको बार बार नीडल में थ्रेड डालने की ज़रूरत ना पड़े। नीडल के नीचे से हमें ये कट कर लेना है, नीडल के नीचे से। और कट करने के बाद एक बार प्रेस करके इसे लॉक करना है। अगर आप पीछे से लॉक नहीं करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने इजी तरीके से ये निकल जाती है। और आप सोचेंगे कि ये मशीन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो आपने अगर इसे लॉक नहीं किया तो ये इसी तरीके से निकल जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो इसे लॉक करना बहुत ही ज़रूरी है, जिस तरीके से मैंने बताया है उसी तरीके से आपको इसे लॉक करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये बड़ी वाली रील इसे कैसे टाइट। अब हम देखेंगे इस बड़ी वाली रील को हमें कैसे लगाना है। तो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट में ये दिया हुआ है, इसे हम यहाँ पे लगा लेंगे। ये स्क्रू टाइप का ही है, इसे हम टाइट कर लेंगे और इसमें ये रील लगाएंगे। और देन आप ये जो रबल का दिख रहा है उससे हम इसे टाइट कर लेंगे ताकि ये रील फिसल ना जाए। और ये लगाने के बाद ये जो रील है ये बिल्कुल भी टाइट नहीं होती, लूज ही रहती है। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है कि थ्रेड कैसे लगाना है उसी तरीके से हमें ये थ्रेड लगाना है। पहले हम वायर होल में डालेंगे दोनों। बाद में हम रिंग में डालेंगे खींच के और नीडल के होल में डालेंगे पीछे से।
और साइड से निकाल लेंगे। यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से आपको ये बड़ी वाली रील लगा के थ्रेड डालना है और आप सिलाई कर सकते हैं। रील भी हमारी बहुत ही लूज है तो सिलाई भी आसानी से हो रही है। ये प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कभी हम बाहर जाते हैं तो कभी कपड़ों की सिलाई निकल जाती है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपके पास ये स्विंग मशीन है तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमारी सिलाई हो चुकी है तो हम थोड़ा ज्यादा ही थ्रेड निकालेंगे ताकि आपको बार बार निडल में थ्रेड डालने की जरूरत ना पड़े। अब हम इसे कट करेंगे और कट करने के बाद एक बार प्रेस कर लेंगे और इसे निकाल लेंगे। अगर आपको निडल चेंज करनी है तो ये जो स्क्रू है बाहर की तरफ उसे आपको निकालना है और ये जो निडल है, निडल का जो प्लेन वाला पार्ट है इसे हमें आगे की तरफ रखना है। ये जो प्लेन वाला पार्ट है इसे हमें आगे की तरफ रखना है और बाद में स्क्रू को टाइट कर लेना है। ये निडल आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। हम नॉर्मल मशीन में जो निडल यूज करते हैं उस निडल से थोड़ी छोटी निडल हमें इस स्विंग मशीन को यूज आती है तो ये आपको मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और ये जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है इस इंस्ट्रूमेंट से आप निडल में थ्रेड डाल सकते हैं या फिर सिलाई को हम लॉक भी इसी से कर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोडक्ट अच्छा लगा है तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप जरूर चेकआउट करके लीजिएगा। Thank you.